हेलो फ्रेंड्स, डीएल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डीएल कुमार। और आज हम बात कर रहे हैं माइक्रोबॉडीज में ग्लाइकोक्सीसोम। फ्रेंड्स, इससे पूर्व हमने दो माइक्रोबॉडीज की बात की थी, एक प्रोक्सीसोम और एक स्पिरोसोम। आज हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोक्सीसोम। ग्लाइकोक्सीसोम भी एक माइक्रोबॉडीज है जिसके चारों ओर एकल कला पाई जाती है और यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित सूक्ष्म कोशिकांग है। तो एकल कला युक्त गोलाकार अंडाकार रचना के रूप में ग्लाइकोक्सीसोम उपस्थित होता है। ग्लाइकोक्सीसोम की खोज 1961 में बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने प्लांट सेल में की थी। ग्लाइकोक्सीसोम एक ऐसा माइक्रोबॉडीज है जो केवल प्लांट सेल में उपस्थित होता है, एनिमल सेल में इसका अभाव होता है। तो ग्लाइकोक्सीसोम प्लांट सेल में उपस्थित है और एनिमल सेल में इसका अभाव है। प्लांट सेल की एंडोस्पर्म सेल, प्लांट सेल की जो एंडोस्पर्म सेल है उनमें और यीस्ट व न्यूरोस्पोरा कवकों की कोशिकाओं में ग्लाइकोक्सीसोम अधिक मात्रा में पाया जाता है। वसा युक्त बीजों में ग्लाइकोक्सीसोम अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। वे बीज जिनमें अधिक मात्रा में तेल होता है उन बीजों में ग्लाइकोक्सीसोम अधिक होता है। ग्लाइकोक्सीसोम में प्रोक्सीसोमल प्रोक्सीसोम के समान ही एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो प्रोक्सीसोमल एंजाइम के साथ साथ इसमें ग्लाइकोक्सिलेट चक्र के एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोक्सीसोम में प्रोक्सीसोमल एंजाइमों के साथ और ग्लाइकोक्सिलेट चक्र वाले एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। ग्लाइकोक्सीसोम का उद्भव भी प्रोक्सीसोम के समान ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुकुलन द्वारा बनता है। देखिए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। इसके मुकुलन से ये एक छोटे पिंड बनते हैं और अंत में ये थोड़े बड़े होकर किसका निर्माण करते हैं भाई, ग्लाइकोक्सीसोम का निर्माण करते हैं। तो ग्लाइकोक्सीसोम का निर्माण हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुकुलन से। हम बात करें ग्लाइकोक्सीसोम के क्या फंक्शन है, तो वसा का उपापचय ग्लाइकोक्सीसोम द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वसा व प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में ये बदलता है और इस चक्र को ही हम क्या कहते हैं भी, ग्लाइकोक्सिलेट चक्र के नाम से जानते हैं। तो वसा व प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में, और इस चक्र को अपन कहते हैं ग्लाइकोक्सिलेट चक्र और इस प्रक्रम को अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लूकोज नवजनन के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लाइकोक्सीसोम के द्वारा ग्लाइकोक्सिलेट चक्र संपादित होता है जिससे बीजों में उपस्थित प्रोटीन व वसा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है और ये चक्र बीज अंकुरण के समय संपादित होता है। तो वसीय बीज जब या वसा युक्त बीज जब अंकुरित होते हैं तो ग्लाइकोक्सिलेट चक्र द्वारा उनमें बीजों में उपस्थित वसा व प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है जिससे नवोद्भिद को आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है और पोषण मिल जाता है। तो ग्लाइकोक्सीसोम के द्वारा ग्लूकोज नवजनन या ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रक्रम संपादित होता है। इसके अलावा कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के और भी माइक्रोबॉडीज उपस्थित होते हैं, उनकी भी अपन यहां चर्चा कर लेते हैं। और उनमें है ट्रांसोसोम। ट्रांसोसोम जो कि प्रेस नामक वैज्ञानिक ने 1964 में पक्षियों के
अंडाशय की पुटिकाओं में देखा और ये भी एक एकल कलायुक्त सूक्ष्म काई है जो केवल पक्षियों के अंडाशय की पुटिकाओं में उपस्थित होता है और इसके द्वारा पीतक या पीत कणिकाओं का विकास किया जाता है। तो पीतक कणिकाओं का विकास किया जाता है किसके द्वारा भी? ट्रांसोसोम के द्वारा। आगे अपन बात करें लोमासोम। अगला जो माइक्रोबोडीज है वो है भी कोशिकाओं में उपस्थित लोमासोम। और मूरे व एलिस्टर ने इस लोमासोम माइक्रोबोडीज की खोज की और इन्हें हम बॉर्डर बॉडीज के नाम से भी जानते हैं। तो लोमासोम की खोज मूरे व एलिस्टर ने की और इन्हें बॉर्डर बॉडीज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लोमासोम माइक्रोबॉडीज है ये उच्च व निम्न श्रेणी के पादपों की जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है उनके बीच जो मध्य अवकाश है उसमें उपस्थित होते हैं। तो लोमासोम कहां उपस्थित है भी? जैसे मान लीजिए ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के मध्य उपस्थित जो अवकाश है, जो रिक्त स्थान है, इनके मध्य यहां ये माइक्रोबॉडीज उपस्थित होती है। इनके चारों ओर भी एकल कला पाई जाती है। तो ये निम्न व उच्च श्रेणी के पादपों की सेल वॉल व सेल मेम्ब्रेन के मध्य उपस्थित होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है भी? स्त्रावण, सेल वॉल का विस्तारण करवाना और एंडोसाइटोसिस के समय मेम्ब्रेन का निर्माण करना। तो लोमासोम एकल कलायुक्त माइक्रोबॉडीज है जो सेल वॉल व सेल मेम्ब्रेन के मध्य उपस्थित होती है और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण करना, सेल वॉल का विस्तारण करवाना और जब कोशिका में एंडोसाइटोसिस की क्रिया होती है तो उस समय मेम्ब्रेन का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके के कार्य लोमासोम के द्वारा संपादित होते हैं। एक और माइक्रोबॉडी जो पाई जाती है भी, वो भी प्लांट सेल में उपस्थित होती है और ये जो माइक्रोबॉडीज है इससे अपन एल्यूरोन ग्रेन या प्रोटीन बॉडीज के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भी एक गोलाकार अंडाकार एकल कलायुक्त माइक्रोबॉडीज है और ये बीजों के बीज पत्र व भ्रूण कोष की सेल में उपस्थित होता है। जब बीज परिपक्व होते हैं तब प्रोटीन बॉडीज या एल्यूरोन ग्रेन का निर्माण होता है और बीज अंकुरण के समय ये समाप्त हो जाते हैं। तो एल्यूरोन ग्रेन या प्रोटीन बॉडीज एकल कलायुक्त माइक्रोबॉडीज है जो प्लांटों के बीजों के बीज पत्र व भ्रूण कोष कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं और इनका निर्माण, इन माइक्रोबॉडीज का निर्माण बीजों के परिपक्वन के समय होता है और जब बीज अंकुरित हो रहे होते हैं तो अंकुरण की आरंभिक अवस्था में ये समाप्त हो जाते हैं। इसमें प्रोटीन्स में मुख्य रूप से ग्लोब्यूलिन व फास्फेटाइटिन नामक प्रोटीन इनमें उपस्थित होते हैं। इनमें जल अपघटनकारी एंजाइम आरएनए व आरएनएज डीएनएज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं जो अंतर कोशिकीय पाचन से संबंध रखते हैं। तो माइक्रो जो है प्रोटीन माइक्रोबॉडी जो है उनके द्वारा अंतर कोशिकीय पाचन, प्रोटीन का संचय करवाना, प्रोटीन का संश्लेषण करवाना जैसे कार्यों का संपादन किया जाता है। मेटाइल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मटर के बीजों में जो उपस्थित होती प्रोटीन बॉडीज उसमें प्रोटीनेज व फास्फेटेज जैसे एंजाइमों का अवलोकन
किया, जो प्रोटीन के संश्लेषण में, उपापचयन में, संग्रहण में सहायक होता है। ये माइक्रो जो माइक्रोबॉडीज है, जो प्रोटीन युक्त माइक्रोबॉडीज जो है, वो प्रोटीन के संश्लेषण में, अपघटन में, अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करती है। तो ये हमने माइक्रोबॉडीज देखी कोशिका की, जिसमें मुख्य रूप से अपने ग्लाइऑक्सिसोम की बात की। जो ग्लाइऑक्सिसोम है वो एकल कलायुक्त माइक्रोबॉडीज है, और इसमें ग्लाइऑक्सिलेट चक्र संपादित होता है। उसके बाद अपन ने बात की ट्रांसोसोम, जो कि फ्रेश नामक वैज्ञानिकों ने पक्षियों के अंडाशय की पुटिकाओं में देखी, और इसके द्वारा पीत कणिकाओं का विकास किया जाता है। उसके बाद में लोमासोम अपन ने देखा, और मूरे और एलिस्टर ने इनकी खोज की। इन्हें बॉर्डर बॉडीज भी कहा जाता है, और ये उच्च श्रेणी व निम्न श्रेणी के प्लांटों की सेल वॉल व सेल मेम्ब्रेन के मध्य उपस्थित होता है, जिनका मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण करवाना, साथ ही साथ सेल वॉल के विस्तारण में व एंडोसाइटोसिस के समय सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करना है। आगे अपन देखें लास्ट जो अपन ने बात की एल्यूरोन ग्रेन या प्रोटीन जो बॉडीज है, ये भी एक एकल कलायुक्त माइक्रोबॉडीज है, जिसमें जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो है परिपक्व जो बीज होते हैं उनके बीज पत्रों में और भ्रूणकोश कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, और बीज अंकुरण के समय एल्यूरोन बॉडीज जो है या एल्यूरोन ग्रेन जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और इनमें ग्लोबुलिन व फास्फेट फाइटिन जैसे प्रोटीन उपस्थित होते हैं। मेटाइल ने मटर के बीजों में देखा कि इसमें प्रोटीनेज व फास्फेटेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें आरएनएज डीएनएज जैसे एंजाइम भी पाए जाते हैं। अगर मैं कहूं कि प्रोटीन बॉडीज या एल्यूरोन ग्रेन का क्या कार्य है, तो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का उपापचयन करवाना, प्रोटीन का व फास्फेट आयनों का संचरण या गमन करवाना इसका मुख्य कार्य है। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।